कंगना रनावत का दिल बहुत बड़ा है ये सिर्फ सुनने में आया था, लेकिन आज कंगना ने ये साबित करके दिखाया है। क्या है पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। दरअसल कंगना की फिल्म दाकड़ को भूलभुलैया 2 ने मसल कर रख दिया है, क्योंकि कंगना की फिल्म दाकड़ रिलीज होने के बाद पहले दिन सिर्फ 50 लाख रुपया कमाई करके साल की अब तक की सबसे कम कलेक्शन करने वाली फिल्म बनी। और वही कार्तिक आर्यन की भूलभुलैया 2 ने पहले ही दिन 14 करोड़ रुपया की कलेक्शन करके साल की पहली फिल्म बनी जो बॉलीवुड में पहले ही दिन इतनी कमाई कर पाई। लेकिन अक्सर बॉलीवुड के बड़े एक्टर्स फिल्म फ्लॉप होने के बाद कई कई दिन लोगों के सामने नहीं आते हैं, लेकिन कंगना पहली ऐसी स्टार है जिसकी फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी उसने कार्तिक आर्यन को फिल्म की कामयाबी पर बधाइयां दी। फिलहाल कंगना के इस व्यवहार पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।